दोस्तों अगर आपको इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है बिल्कुल HD में हिंदी कमेंट्री के साथ, या फिर मैच खत्म होने के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको इस मैच की हाइलाइट्स देखनी है, तो आप thecricmaster.com पे जाके बिल्कुल आसानी से लाइव मैच और क्रिकेट मैच हाइलाइट्स देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप क्रोम ब्राउजर के माध्यम से thecricmaster.com पे जाके लाइव मैच और क्रिकेट मैच हाइलाइट्स देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस सीरीज का दूसरा और आखिरी T20 मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। बड़ा मुकाबला होने वाला है। पहला मैच आखिरी बॉल पे भारतीय टीम हार गई। बहुत ही रोमांचक मुकाबला था, लो स्कोरिंग मुकाबला था। उमेश यादव ने जीता मैच हरवा दिया। दोस्तों क्या लगता है आपको, आज कौन सी टीम मैच जीतने वाली है, आप कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको बताना चाहूँगा कि ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला हो सकता है, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप के बाद वो संन्यास लेने वाले हैं और आज के बाद भारतीय टीम का कोई भी T20 इंटरनेशनल मुकाबला शेड्यूल्ड नहीं है वर्ल्ड कप 2019 तक। और अगर 2019 वर्ल्ड कप के बाद महेंद्र सिंह धोनी लेते हैं संन्यास, तो ये हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी T20 मुकाबला। तो दोस्तों अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो उनके लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बात करी जाए आज के मैच की प्लेइंग 11 की, तो शायद शिखर धवन की वापसी हो जाए और उप कप्तान रोहित शर्मा बाहर जा सकते हैं आज के मुकाबले में। बाकी बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है। उमेश यादव तो पक्का बाहर जाएंगे, उनकी जगह किसी और बॉलर को आज खिलाएंगे कप्तान विराट कोहली। देखते हैं कौन होगा वो बॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की टीम लगभग सेम रहने वाली है। दोस्तों क्या लगता है दोस्तों आपको, कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।